press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल एम आई। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Intex Jogger भी ब्लूटूथ को अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, स्किप ना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो जल्दी से मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोग इस ब्लूटूथ को चीपेस्ट प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ बॉक्स में आपको प्लास्टिक पैकिंग के अंदर Intex का बॉक्स देखने को मिल है, तो जल्दी से मैं इस प्लास्टिक पैकिंग को हटा लेता हूं। और इस बॉक्स पे आपको इस हेडफोन की इमेज और नीचे इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा। और इस बॉक्स के पीछे आपको इस हेडफोन के स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इस बॉक्स के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से 1699 का प्राइस मिल जाएगा। अगर आप इस हेडफोन को ऑनलाइन से बाय करते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और इस बॉक्स के साइड में आपको इसके फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप इसके फीचर्स चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का हेडफोन देखने को मिल जाएगा। और ये एक फोल्डेबल हेडफोन, आप इस हेडफोन को कहीं पर भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इस प्लास्टिक पैकिंग को साइड पर रख लेता हूं। और इसके बाद चेक करते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सा यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इस हेडफोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस बटन पर आपको कौन सा वाला फीचर मिलने वाला है। और आप इस यूज़र मैनुअल को रीड करके इस हेडफोन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद चेक करते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको और भी क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको ओनली माइक्रो यूएसबी मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप अपने हेडफोन को चार्ज कर सकते हैं। और इस यूएसबी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं इस हेडफोन की क्वालिटी कैसी है। तो Intex की तरफ से आपको कम बजट में बहुत ही अच्छा हेडफोन देखने को मिलने वाला है। आप इस हेडफोन को बैंड कर सकते हैं, हेडफोन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आपको एक इंच का स्क्रीन और नीचे कॉल बटन मिल जाएगा। और यहाँ ऊपर से आप इस हेडफोन को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए हेडफोन ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, आपको बैटरी और ब्लूटूथ का आइकॉन मिल जाएगा। और इस स्क्रीन पर आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। और इस हेडफोन में आपको लास्ट 30 तक की वॉल्यूम मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वॉल्यूम डिक्रीज कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको प्ले, पॉज और नेक्स्ट का बटन भी मिल जाएगा। और इस हेडफोन के दूसरे साइड में आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको कवर को ओपन करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैटरी बाहर निकाल लेता हूँ। और ये बैटरी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 300 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसके ज़रिए आप लॉन्ग टाइम तक अच्छे खासे सॉन्ग सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हेडफोन ऑन करके ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑन वाले बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद हेडफोन ऑन हो जाएगा। अगर आप इस हेडफोन के साइज़ को लार्ज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस क्लिप को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, इसके बाद ये हेडफोन का साइज़ लार्ज हो जाएगा। और इस क्लिप को नीचे की तरफ स्वाइप करके आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इस हेडफोन को अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन करना है। और यहाँ सर्चिंग होने के बाद आपको Jogger V का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली Jogger V पर क्लिक करना है। तो इसके बाद ये हेडफोन अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलने वाली है, और इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको साउंड सुनाने की भी कोशिश करता हूँ। अगर आपके हेडफोन की बैटरी टोटली लो हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के सॉन्ग इस हेडफोन पर सुने, तो इसके लिए आपको एक ऑक्स केबल की ज़रूरत है। आपको एक पिन अपने मोबाइल पर कनेक्ट करना है और दूसरी पिन आपको इस वाले हेडफोन पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑक्स केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पिन कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप कॉलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको चार्जिंग करने के टाइम रेड लाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक यूट्यूब वीडियो प्ले कर लेता हूँ। और यहाँ सॉन्ग प्ले होने के बाद आप चेक कर सकते हैं ऑक्स केबल की मदद से हेडफोन का सॉन्ग प्ले हो रहा है। अगर आपके हेडफोन की बैटरी लो है तब भी आप ऑक्स केबल की मदद से सॉन्ग्स को अपने हेडफोन पर सुन सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने मेमोरी कार्ड को हेडफोन पर कैसे इंसर्ट करें। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मेमोरी कार्ड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अपने मेमोरी कार्ड को एंटर कर देता हूँ। मेमोरी कार्ड को एंटर करने के बाद आपको इस वाले हेडफोन को ऑन करना है। और यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली सॉन्ग्स प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप सॉन्ग्स को नेक्स्ट
सकते हैं और यहाँ पर आपको प्ले और पॉज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी और इसकी बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस हेडफोन को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस हेडफोन को ईजिली बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल या परेशानी के लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली अंदर वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।